सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड मैं वापस आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग और इजी ट्यूटोरियल के साथ में, जो होने वाला है स्काई ग्लो के लिए। मेरे पिछले स्काई ग्लो के वीडियो पर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि उनका इफेक्ट प्रॉपरली नहीं आ रहा है, डुप्लीकेट करने पर पूरा क्लिप बिगड़ जा रहा है, या सेकेंड क्लिप को इम्पोर्ट करने के बाद भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए होने वाला है, जो बहुत ही इजी मेथड है स्काई ग्लो अचीव करने के लिए, या आप बोल सकते हो बहुत ही सस्ता मेथड है स्काई ग्लो के इफेक्ट के लिए। ऑल्सो गाइज, आप लोग मेरे वीडियोस पूरा एंड तक नहीं देखते हो, इसीलिए जो मैं पैक प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो पे, उस पे एक पासवर्ड होने वाला है, एंड वो पासवर्ड कहीं भी अपियर हो सकता है इस पूरे वीडियो में। सो मेक श्योर आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड एज ऑलवेज, मैं जो भी चीजें यूज करता हूँ वीडियो पे, आपको उस सारे एसेट्स के लिंक मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे मिल जाएंगे, जो है इस सेक्शन में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है, प्लस आइकन पे क्लिक करके 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, एंड आपका जो फाइनल मॉन्टाज एडिट है उस क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक 19 सेकंड्स का क्लिप लेने वाला हूँ, जो है ये। ओके कर देंगे। सो क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद उसके कलर फिल्टर में जाना है, विविध में जाकर V05 सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो कि आपका क्लिप बहुत ज्यादा कलरफुल हो चुका है, सो इसके इफेक्ट को हम 50% पे सेट कर देंगे। सो इफेक्ट को 50% सिलेक्ट करने के बाद टाइमलाइन के स्टार्ट पर आके एक नया मीडिया सिलेक्ट कर लेंगे, एंड ब्राउज कर लेंगे जो मैंने पैक आपको प्रोवाइड किया है, उसमें से कोई भी स्काई ग्लो का कलर आपको चाहिए उस लेयर को सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर लेंगे। और मैंने जो पैक दिया है उसमें टोटल 12 कलर्स हैं, जिनमें से आप कोई भी कलर चूज करके आप अपना स्काई ग्लो बना सकते हो। सो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं ये वाला कलर चूज कर रहा हूँ। सो मीडिया को सिलेक्ट करके अपने क्लिप के एंड तक ड्रैग कर देंगे, एंड क्लिप को सिलेक्ट कर यहाँ पे आके हम अपना क्लिप फुल स्क्रीन कर देंगे, एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। देन अगेन आपको क्लिप पे सिलेक्ट करना है, एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन पर आके आपको ओवरले सिलेक्ट कर लेना है। सो आप देख सकते हो कि आपका एक बेसिक स्काई ग्लो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। देन ओके पे क्लिक कर देंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि स्काई ग्लो का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, आप इस PNG क्लिप को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करके देख सकते हो, बट यहाँ पे डुप्लीकेट करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। सो मैं एक ही लेयर सिलेक्ट करूंगा, दूसरे वाले को डिलीट कर दूंगा, एंड क्लिप को प्ले कर देखते हैं हमारा स्काई ग्लो इफेक्ट कैसा लग रहा है। एक और बात, आपके वीडियो के अंदर दूसरे एलिमेंट पर भी ये कलर आ जाएगा, बट जैसे मैंने बताया था ये इजी मेथड है स्काई ग्लो अचीव करने के लिए। अगर आपको मेरा एडवांस्ड मेथड देखना है तो आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो जैसा कि आपने देखा, स्काई ग्लो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। एंड ऑल्सो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने प्रीव्यू में स्काई ग्लो के इफेक्ट का जो कलर है वो कैसे चेंज किया बीट पे, अगर आप लोग को वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, मैं आप लोग के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो ने किसी भी तरह से हेल्प किया है और आप नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।